जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुंदर सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अदाद्री संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी को एक नए दिन की, एक नई शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। वो सभी लोग जिनका जन्मदिन है, क्योंकि मेरे पास अक्सर व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करते हैं कि माँ आज मेरा बर्थडे है, माँ आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, किसी को कुछ किसी को सबको मुझे सब लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे में जो है मैं कहती हूँ कि ठीक है, मैं उनको बधाई देती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं आप लोगों को यहीं पे बधाई दे दूँ। तो आज वो सभी बच्चे जिनका जन्मदिन है उन सबको बहुत बहुत बधाई। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आपके आशीर्वाद मिले मेरे गणपति जी का। तो मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपका दिन शुभ हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। और साथ साथ में वो सभी बच्चे, सभी लोग जिनकी एनिवर्सरी है, मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपका जोड़ा दिन दुनी रात चौगुनी हमेशा बना रहे और आपकी खुशियां बनी रहे। दिन दुनी रात चौगुनी आपका साथी आपको बहुत प्यार करे, हमेशा आप खुश रहें। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप सभी को, हर हैप्पी हैप्पी वेरी वेरी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। जिन जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, आप सभी को। इसके अलावा जिनके घर में नए छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, जो मुझे कहते हैं कि घर में हमारे छोटी गुड़िया आई है, छोटा सा बेटा आया है, आप सबको भी एक नई संतान के लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनकी शादियां हो गई हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। साथ में मेरे एक क्लाइंट है जो मुझसे पिछले कुछ दो साल से मुझसे बहुत लग के ले रही थी रेमेडी, उसका नाम है ईशानी और उसके दोस्त का नाम है निखिल। उन दोनों की शादी है 8 दिसंबर को। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई आपके नए जीवन की शुभ आरंभ के लिए। और साथ में वो एक और लड़की है जिसका नाम है ऋतिका वर्मा, ये इलाहाबाद से है। इनकी भी शादी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हार पीट के तय हो गई है और इनकी जो शादी है वो 2 तारीख को, इनकी कल ही है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ वो सभी लोग जिनके कामनाएं पूरी हो रही हैं उनको बहुत बधाई। और एक लड़की है जिसका गवर्नमेंट जॉब में नंबर आया है, उसको तो मेरे को लग ही रहा था कि इसका जॉब लगेगा, उसी कुंडली में ऐसा कुछ था नहीं जॉब वाला। उसने मुझसे पहले अपनी कुंडली प्रिडिक्ट कराई थी और उसने बोला था कि माँ जरा कुंडली देख दो, तो मैंने उसी कुंडली देखी थी, मुझे उसी कुंडली में ऐसा कुछ दिखा नहीं था, फिर भी पीछे पड़ी रही थी कर दो कर दो कर दो कर दो। तो मैंने उसको कुछ ऐसे ही बता दिया था, कुछ गणेश जी की, कुछ सूर्यदेव की और थोड़ा सा शिव जी, जो मैं सभी को बोलती हूँ भगवान शिव तो हमारे जीवन के आधार हैं, वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो मैंने उसको शिव जी की प्रार्थना भी दी थी और उसकी बदौलत उस लड़की की जो है क्लरिकल पोस्ट में छत्तीसगढ़ में जॉब लग गई है, उसको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई से मैं आपको सभी को बधाई देती हूँ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री, तो जय श्री गणेश जी हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी विश के साथ। ऐसा कहते हैं कि यदि कोई इच्छा हो, जो पवित्र इच्छा हो, जो सच्चे दिल की शिद्दत के साथ इच्छा हो, उसको जितना ज्यादा आप यूनिवर्स में दोहराते हैं उतना ज्यादा आपकी कोई भी इच्छा हो वो बड़ी जल्दी पूरी होती है। और आज इसी इच्छा को लेके मैं आपके पास आई हूँ। 9 किलो का एक उपाय लेके, 9 किले हैं और उससे आप कैसे अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। 9 किले शनिवार के दिन ये प्रयोग होगा और शनिवार को आप बिना किसी पूजा पाठ के, क्योंकि अभी तक तो मैं आप लोगों को प्रेयर्स बताती थी, ऐसे नहीं है कि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है अभी, जैसे किसी लोगों का किसका मैसेज आया था, उसने बोला था कि दीदी काली माँ का मंत्र सिद्ध करना और काली माँ की सिद्धि बता दो। मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है वैसे, बट पुरानी वीडियो है, कई लोगों को नहीं मिलती है। कुछ भैरव के बाबा का पूछते हैं, कुछ हनुमान जी का तो बहुत ही पूछते हैं, मगर काली माँ का बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा कभी कभी विष्णु भगवान का, रामचंद्र जी का या किसी भी देवी देवता का लोग पूछते रहते हैं। तो देवी देवताओं को जो सिद्ध किए जाते हैं, मंत्र को सिद्ध किया जाता है, वो भी मैं जो है लोग मुझसे पूछते हैं, उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन अभी जो है मैं आपको बिना किसी पूजा पाठ के आप 9 किलो से कैसे अपने काम को बना सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, सिर्फ 9 किले। सबसे पहली बात है कि यदि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसको आप बोलते हैं अनचाहा व्यक्ति, कोई भी ऐसी लड़की, कोई भी ऐसा लड़का
कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में अनचाहा आ गया है और आपकी चीज आपकी लाइफ को काटने में लगा है, आपको परेशान करने में लगा है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आज का वीडियो है उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा यदि किसी ने आपके पैसे ले लिए और आप तंग आ गए हो और वो आपके बिल्कुल भी पैसे देने को राजी नहीं हो रहा है, वो कहता है जी पैसे तो नहीं दूंगा चाहे कुछ कर लो, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाकर उससे अपने सीधे सीधे पैसे निकलवाने के लिए भी यही उपाय है, आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी से शादी करना चाहते हैं और शादी में दिक्कत आ रही है, कोई भी रीजन से अगर दिक्कत आ रही है शादी में और उसमें कोई भजिया पाव तलने लगा है, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो आ गया है बीच में, जो आपकी शादी को रोकने की कोशिश कर रहा है और आप चाहते हैं कि ये आपकी शादी को ना रोके, तो उसके लिए भी ये 9 किलो का उपाय है। और यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत टाइम से आप यूनिवर्स में देना चाह रहे थे लेकिन वो आप किसी भी कारण से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये उपाय है। इसके साथ साथ मैंने भी कल या परसों में एक तेज पत्ते का उपाय डाला है, 5 दिन का 55 बार बोलते थे, उस उपाय को आप देखिए उससे आपको फायदा होगा। काली मिर्च का मैंने एक उपाय बताया था वो भी कीजिएगा, हल्दी का उपाय बताया था, मतलब आप मेरे रिसेंटली 4-5 दिन की वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको मेरे तरीके पता चलेंगे कि हम अलग अलग चीजों से भी मनोकामना कैसे पूरा कर सकते हैं बिना किसी पूजा पाठ के। इसके अलावा अगर आपके काम में कोई रोड़ा अटक गया है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई परेशानी हो गई, चलते चलते काम बंद हो गया है, क्योंकि कोई भी काम जो चलते चलते खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसका जो सीधे सीधे जो उसका कारण होता है वो कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव होते हैं। शनिदेव के कारण ही इस तरह की चीजें आती हैं कि आप जैसे कि मान जाए कोई काम कर रहे थे और आपका काम बढ़िया चल रहा था, स्मूथ चल रहा था, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से वो डंप कर गया, तो ये जो शनिदेव हैं वो जब आपकी कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं तो होता है। शनि देव जो है उनका संबंध लोहे से है, लोहे का संबंध कील से है, कील लोहे की होती है, तो लोहा शनिदेव का होता है, तो आपका अगर कोई भी काम जो चलते चलते रुक जाता है, किसी भी काम में अगर चलते चलते परेशानी आती है सॉरी जैसे कल तक तो गर्लफ्रेंड कहती थी शादी करूंगी, कल तक बॉयफ्रेंड कहता था शादी करूंगी, और आज दोनों गायब गर्लफ्रेंड रो रही है कि बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, बॉयफ्रेंड रो रहा है गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, तो ये चलते चलते जो भी काम एक्सीडेंटली चेंज हो जाते हैं या आपका कोई काम हो गया था फाइनली हो गया था फिर मेन टाइम पे आकर उस काम का अटक जाना, ये सब शनि शनि के कारक होते हैं, शनिदेव के उससे होते हैं। तो आज मैं उसी से संबंधित आपको एक उपाय बताऊंगी और उस उपाय को आपको कर लेना है, और उसके साथ साथ में मुझे यूनिवर्स में कुछ लोगों की विश भी पढ़नी है, जरूरी विश है, वो भी मैं आपको बोलूंगी। लेकिन उससे पहले 9 को कील लेनी है और 2-2 इंच की लेंगे, बढ़िया वाली कील, 9 आपको लोहे की कील लेकर अब आपको एक पिटीशन बनानी है, मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो मैंने हमेशा से सिखाया है कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या तो फिर आपके बाद काम कभी नहीं होगा। एक बार किसी भी काम में अगर आप बट इफ लेकिन परंतु किंतु लगा दोगे तो वो काम कभी नहीं होता है। जब हम किसी से मांगते हैं तो मांगने का मतलब सिर्फ मांगना होता है। जब एक भिखारी आपके घर में घंटी मार के बोलता है कि दे दो कुछ दान दे दो, तो वो ये सोच के आता है कि ये मैं इनसे आज 100 रुपए मांगूंगा तो ये 100 नहीं तो 50 तो देंगे, उस तो दे ही देंगे, आटा मांगने चावल मांगने, तो वो उसको नहीं पता कि आप उसको क्या देने वाले हो सकता है उसने 100 रुपए मांगे आप उसको 1000 दे दो, हो सकता है उसने सिर्फ पानी मांगा हो आप उसे आटा दाल चावल दे दो। आप नहीं जानते कि आपके लिए उस भिखारी के लिए आपने कौन सा दरवाजा खोला है। इसी तरह से जब हम यूनिवर्स में शिद्दत के साथ कोई प्रार्थना भेजते हैं तो यूनिवर्स को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या मांग रहे हो, पहली बात तो इसे ध्यान रखो, आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, आप पात्र हैं या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी लाइफ में कभी एक इंसिडेंट हुआ कि एक लड़की है वो मैरिड है, मतलब सॉरी एक लड़की है वो विडोवर है और उसका 11 साल का बच्चा है, उसकी शादी के लिए कहीं बात चल रही थी तो वो लड़का कुंवारा है, तो लड़के से बातचीत करते करते शादी कट गई, मतलब हो नहीं रही है, तो उसने मेरे से बोला कि उसकी शादी वो चाहती है इस लड़के से हो जाए क्योंकि एज वगैरह तो सब सही है, बस ये है कि वो 11 साल के बच्चे की माँ है लेकिन विडोवर है।
तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैडम ये शादी कैसे हो जाएगी, आप विडो हैं, फिर आपका 11 साल का बच्चा भी है, वो किसी भी पेरेंट्स एक बार को शायद रिश्ता गया होगा तो बात हो गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पेरेंट्स आपको रखेंगे साइड बाय साइड कि हाँ हमें इससे शादी करा देनी चाहिए। लेकिन उसी समय एक और चमत्कार हुआ, मेरे पास एक लड़के का मैसेज कॉल आया, उसने कहा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो 11 साल की लड़की की माँ है और वो अपने पति से सेपरेटेड हो गई है और मुझे उससे शादी करनी है, बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि लड़की तो तैयार है लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं है। तो मैंने देखा कि दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल अलग हैं। वहां पे लड़की जो है 11 साल के बच्चे की माँ है और वो लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स हमसे ये कहती है कि एक विधवा औरत जो 11 साल के बच्चे की माँ है उसके साथ कैसे यूनिवर्स अटैच करेगी, कैसे उस बच्चे की शादी कर देगी जो कुंवारा है। लेकिन वहीं पे ईश्वर ने मेरे को उस जवाब को देने के लिए तुरंत उसी दिन मेरे पास एक नए लड़के का केस आया जो कहता है कि एक लड़की जो तलाकशुदा है 11 साल की लड़की की माँ है, वहाँ पे भी 11 साल की लड़की, यहाँ पे भी 11 साल की लड़की, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, सब रेडी है, बस लड़की की माँ नहीं मान रही जबकि मैंने अभी अपने घर वालों को तैयार कर लिया है। तब मैंने कहा कि अगर यहाँ पे एक लड़का जो कुंवारा है वो एक तलाकशुदा से जो उसकी 11 साल की बच्ची है उससे शादी करने के लिए मरे जा रहा है और यूनिवर्स ने अपने आप को चेंज किया है, तो फिर वहां पे एक विधवा औरत जिसकी 11 साल की बच्ची है और उसके लिए एक कुंवारे लड़के का शादी का रिश्ता आया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पे भी तो सेटिंग की है, तो उसका मतलब ये चीज पॉसिबल है। इस चीज ने मुझे बताया कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप में ही खराबी है। मेरे को मेरे यूनिवर्स ने मेरा मुंह पर ताला मार दिया ये बताकर कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है, पहले तो आप अपने दिमाग पर ये सोच लीजिए। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको थॉट लाना है कि आप चाहते क्या हो। अगर आप पहले ही करते हो ऐसा हो गया वैसा हो गया ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो आपका काम तो वैसे भी नहीं होना, ठीक है। तो थॉट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। थॉट मतलब थॉट होता है एनर्जी, वाइब्रेशंस होती हैं, जो हम सोचते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जब यूनिवर्स में एक डार्क मैटर होता है जिसको बोलते हैं क्रिएशन वाला एक ग्राउंड होता है जहाँ से सृजन शक्ति होती है, जहाँ से आप मैं सारे मरे हुए लोग पैदा हुए लोग पार होते हैं, चंद्रयान चंद्रलोक भी बोलते हैं, ठीक है, योगियों की भाषा में से चंद्रलोक बोलते हैं, चंद्रयान बोलते हैं इसको। एक प्लान 4th नंबर का प्लेन होता है, 7 प्लेन होते हैं, 4th नंबर का प्लेन होता है, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग व्याख्या की, किसी के हिसाब से 12 प्लेन है, किसी के हिसाब से 7 प्लेन है। तो वो जो प्लेन है जिसपे मरने के बाद आत्माएं जाती हैं, रुकती हैं, और जन्म लेने से पहले आत्मा वहां रुकती है, दोनों ही पारी में वो इस प्लेन पे लोग रुकते हैं, मतलब आत्माएं रुकती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, डार्क मैटर बोलते हैं। वहीं पे आपकी सृजन शक्ति है, वहीं पे प्रोडक्टिविटी है, वहीं पे थॉट्स है, वहीं फ्रीक्वेंसी है। जब आप रेगुलर नए नए थॉट्स के साथ व्यूज और आप लगातार यूनिवर्स से मैसेज भेजते रहते हैं तो आपका काम होता है। ये मत सोचो काम होगा या नहीं होगा, ये सोचो कि काम होना ही है और हो चुका तो आपका काम पक्का होगा, इसको हमेशा ध्यान रखिए। लॉ ऑफ नेचर कहता है कि अच्छा आप, हम तो इंडिया भारतीय संस्कृति में बंधे हुए हैं, लेकिन अगर आप बाहर चले जाओ फॉरेन में चले जाओ तो वहां आप देखते हैं कि 40 साल की औरत की शादी एक 22 साल के लड़के से हो जाती है, नो डाउट वहां करते हैं। आप देखते हैं कि 22-22 साल की गैप में शादियां हो रही हैं, 24 साल की गैप में शादियां हो रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहां क्या कोई कल्चर काम नहीं करता है क्या? नहीं, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो चीज़ आप चाहते हो आपको मिलेगी, मगर आपकी शिद्दत सही होनी चाहिए, ट्रू होना चाहिए आपको। तो आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या और शिद्दत के साथ। तो सबसे पहले वो थॉट आपको लिखना है पेपर पे, जो मैंने बताया ब्लैक रंग के पेपर पे लिखेंगे, और सफ़ेद रंग का आप कोशिश कीजिएगा कोई चीज़ मिल जाए, नहीं मिलता है तो फिर वाइट रंग के पेपर पे ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो वाइट रंग के पेपर पे ब्लैक पेन से लिखोगे मुझे पता है मैक्सिमम, क्योंकि काले रंग के पेपर पे तो फिर मैं उससे लिखवाती, जैसे चूना वाला होता है चौक से लिखवाती, लिख सकते हो तो अच्छी बात है। आपको अपनी विश को पॉजिटिव लिखना है, और पॉजिटिव में जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे राधिका बोलती है कि राधिका को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो राधिका बोलेगी कि भगवान श्री करती महाराज आपकी कृपा से मेरे पास एक अच्छी जॉब है, या श्रीदेव आपकी कृपा से मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मैं अपनी जॉब को एंजॉय कर रही हूँ और मैं जॉब में बहुत खुश हूँ, मेरे पास एक अच्छी कार है जिसका रंग सफ़ेद है, मैं उस कार को बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं उस कार के साथ बहुत खुश हूँ,
या मैं जिसकी शादी हो रखी हो अपने पति का या पत्नी का प्यार चाहता हो, तो मैं मेरे पति नाम लगाने हैं, उसके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या पति बात नहीं करता या पत्नी बात नहीं करती, ये वो करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको किसी साथ शादी करनी है कि मैं अमुक की पत्नी हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ बहुत खुश है, उसके परिवारों ने खुशी खुशी मेरे से मुझे अपना बहू बनाया और हम उसके साथ एक साथ बहुत खुश रहते हैं, एक सेंटेंस आपको छोटे से छोटा बनाना होगा। जब आप ये सेंटेंस बना लेंगे उसके बाद ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी होता है, तो आप बोल देंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद उस हर चीज के लिए जो हमें मिली है कायनात से, एक अच्छी स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए, खूबसूरती के लिए, सांस जो हम इनहेल करते हैं उसके लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, गाड़ी, पैसा, शक्ति और हेल्थ के लिए धन्यवाद, मेरे को माता पिता देने के लिए धन्यवाद, मेरे भाई बहन के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, मेरे पति या पत्नी के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे अच्छे मित्र दोस्त रिश्तेदारों को देने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छी गाड़ी में घुमाने के लिए धन्यवाद, अच्छे कपड़े देने के लिए धन्यवाद, अच्छे जूते, अच्छे बाल, अच्छे दांत देने के लिए धन्यवाद, अच्छी वाणी देने के लिए धन्यवाद। और आप बोल सकते हैं कि मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क, मेरे कान, नाक, गाल, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे दांत, मेरे टंग, जीभ जिसको हम बोलते हैं, और मेरा हृदय, मेरे फेफड़े, लंग्स, किडनी, छोटी बड़ी आंत, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं, हाथ पैर, सबको खुशहाल, स्वस्थ, दीर्घायु, सुखी, स्वस्थ रखने के लिए, तेजवान, ऊर्जावान रखने के लिए धन्यवाद। जितना बोलोगे आप ही का फायदा है ना, इसमें सब कुछ आ गया। मुझे परफेक्ट हेल्थ देने के लिए धन्यवाद, ऐसे आपको बोलना है। ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, वो सब चीज़ें जो आपको यूनिवर्स ने दी है, तो यूनिवर्स को लगता है कि यार मैं जब जब इसको देता हूँ तो ये बड़ी खुश हो जाती है, उसको दे दो ये और खुश होगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्स से कंप्लेन करोगे, अरे मम्मी पापा तो ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने तो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो क्या होगा, यूनिवर्स फिर आपसे ये देखते कि ये इस चीज़ से खुश नहीं है। तो यूनिवर्स आपको देना, आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना कम कर देगी, ऐसा होता है। और दूसरी बात है, डोपामिन नाम का एक हमारा केमिकल होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी जब मैच करती है, आप बहुत खुश होते हैं तभी मैच करती है, तो आपकी विश पूरी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। जब हम ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं, देखो ऐसे, जब हम ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, मैंने ये ऐसे बंद की, मुट्ठी ऐसे बंद की ना, तो ये जो दोनों उंगलियां हैं इसके बीच में पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ऐसे अंगूठे से दबा के ऐसे रखो, ठीक है। ये पॉइंट मेरा दबा हुआ है, सांस लिया, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, ठीक है, और इसको दबा के रखना है। आप चाहे तो सांस को होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड कीजिए फिर छोड़ दीजिए। ये क्या करती है, ये रिलैक्सेशन पॉइंट है, आपको रिलैक्स करता है, आपको एनर्जाइज करता है, आपके सेल्स को न्यू लाइफ देता है। ये कौन सा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इसको दबाओ, ठीक है, एक्यूप्रेशर में ही आता है ये पॉइंट, और इसको दबा के रखो, सांस लो, सांस को छोड़ दो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पॉइंट भी दब जाएगा और आप थोड़े से पॉजिटिव भी हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि 7 किलो पे कैसे करना है, वही मैं आपको बता रही थी, लेकिन साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ कि दुनिया में सबके काम होते हैं, ऐसा मत सोचो कि काम नहीं होगा। आज मेरे पास एक लड़की का फोन आया है, उस लड़की की शादी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, जिस लड़के से रिलेशनशिप था उस लड़के की अचानक से शादी तय हो गई है, और ऐसे लड़की से तय हुई है जो उसकी भाभी की छोटी बहन है, जिससे वो प्यार करती थी, उस लड़के की शादी तय हो गई है ऐसे लड़के से, ऐसी लड़की से जो उस लड़के की बड़ी भाभी की छोटी बहन है। अब वो फंस गया है, वो कहता है अगर मैंने मना किया तो मेरे भाई और भाभी मेरे पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि भाभी ने अपनी छोटी बहन से उसकी शादी तय कर दी है और वो उसको प्यार बहुत करता है। अब ट्विस्ट है, समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बस समझाया बहुत है पर काम नहीं बन रहा। आज ये किस्सा आया है, मैंने उसको बोला उम्मीद मत छोड़ो, और उसकी शादी पहले नवंबर में थी,
वो कैंसिल हो गई। अब फिर दिसंबर पे आई, मेरे से कुछ बताया था, अभी फिर कैंसिल हुई है। अब उसकी शादी ट्रांसफर हो गई है फरवरी में। मैंने कहा चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और उसको मैंने कुछ उपाय दिए हैं, वही जो मैं आपको बताती हूँ। शंकर जी का एक खास चीज है, उस पर यदि लगातार पूजा की जाए तो बड़े से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और उससे आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो कील पे आपने एक लिख लिया है, एक बार आपके पास 9 कीले हैं, इस तरह से आपको 9 पेपर बनाने हैं। उन 9 पेपरों पे आपको अपनी मन की इच्छा लिखनी है। जब आप मन की इच्छा को लिख लोगे, उसके बाद एक एक कील पे इसको ऐसे से फोल्ड कर देना, यानी कि पेपर को एक एक कील पे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ठीक है। जब आप इस तरह से फोल्ड कर दोगे तो आपकी ये 9 कीले तैयार हो गई। अब आपको आपकी जो विश है, उस विश को बोलते हुए, जो आपकी विश है उसको एक ही शब्द में, जो आपने पेपर में लिखा है उसी विश को बोलते बोलते उस पर ऐसे से थ्रेड बांधेंगे, धागा बांधेंगे, ठीक है। धागा कैसा होगा, आपकी जितनी भी हाइट है उस हाइट के बराबर का धागा लेंगे, रील का धागा लेंगे, काले रंग का धागा लेंगे, तो और धागा भी ले सकते हैं, लेकिन काले रंग का धागा लेना है आपकी हाइट के बराबर। और वो जो आपने इस तरह से बांधी है उस पर अपनी मनोकामना बोलते हुए धागा बांधेंगे। मनोकामना वही होगी जो आपने पिटिशन किस पे लिखी है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है पेपर पे, उसी को लिखना है, उसी को इस तरह से बोलते बोलते बांधते रहेंगे। आपकी 9 की 9 कीले इस तरह से तैयार हो जाएगी। फिर क्या करना है, दिन रहेगा शनिवार का, और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक विश है। नीलम आर्य चाहती हैं कि उनकी हाईकोर्ट में जॉब लग जाए, इलाहाबाद शायद, हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब मिल जाए, लग जाए। एक है, एक लड़की है, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उसने कहा है कि उसकी भाभी आयुषी और उसका भाई गौरव अपनी माँ सिमलेश देवी को बहुत प्यार करें, उनको साथ रहें, उनको इज्जत दें, उनकी कदर करें, ऐसा वो चाहती हैं। और स्वागत चाहते हैं कि उनको दिसंबर में कोई ना कोई जॉब मिल जाए। तो स्वागत, जॉब मिलने का तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना, मैं तुमको बता दूंगी। स्वागत चाहते हैं कि दिसंबर में उनको जॉब मिल जाए, कोई भी मिल जाए। और लवदीप सिंह का तलाक रमन कुमारी से हो जाए, मतलब कोई चाहता है कि लवदीप सिंह का तलाक रमन कुमारी से हो जाए, ऐसा ममता नाम की लड़की चाहती है। मैं ऐसे नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ, पर हो सकता है कि तुम्हारा लवदीप के साथ रिलेशनशिप हो और दोनों का तलाक का केस चल रहा हो, इसलिए तुमने मुझसे बोला हो, जो भी है। पर जो भी है, और मेरी इच्छा है कि मेरा घर बन जाए, और आप मेरे सब्सक्राइबर्स, आपकी भी कोई ना कोई इच्छा होगी, तो इच्छा को याद कीजिए। और ईश्वर से प्रार्थना है, आपकी हम सबकी जो जायज इच्छा है उसे ईश्वर पूरा करे, और आप पे और कुछ पे कृपा बनाए रखे। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये परमपिता परमेश्वर हम सब पे कृपा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी कुछ आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद, हम सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपने जो तैयार किया है उसको क्या करना है, 9 की 9 किलो को जब आपने तैयार कर लिया, तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे सैटरडे को, शनिवार को, और उसके नीचे जो मिट्टी पड़ी होती है ना, अपनी विश को हर एक कील पर जो आपने उस पर लिखा था उसी चीज को 3-3 बार बोलते हुए आपको कीलों को ऐसे उसके गड्ढे के, मतलब वो जो पेड़ है उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बांध देंगे, एक कील ठोकना है मिट्टी, मिट्टी के अंदर आपको वो कील ऐसे से ठोक ठोक के अंदर डालनी है, और उसके बाद आपको ठोकते हुए 3 बार अपनी उसी विश को बोलना है। ये 9 की 9 कील ठुक जाएंगी, 9 × 18 9 × 27 27 टाइम हो जाएगा। 9 कीले हैं, 3-3 बार आप उस पर विश बोलोगे, जब ठोकोगे तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 टाइम आता है, और 27 को फिर आप जब प्लस करोगे तो 9 ही आता है। 9 यूनिवर्स का नंबर है, 9 ईश्वर का नंबर है, ऐसा कहा जाता है। जब आप इतना कर लोगे, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना कि हे पीपल देवता, मैंने आपके चारों तरफ अपनी विश को बांध दिया है इन कीलों के थ्रू, मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले शनिवार तक या 2 हफ्ते में आप मुझ पर जरूर कृपा करेंगे और मेरा कार्य अवश्य होगा। जितनी जल्दी हो आप मुझसे प्रार्थना है कि आप मुझे कुछ अच्छी राह दिखाएं, मेरा काम हो जाए। मैं विश्वास से कहती हूँ अगला शनिवार आने से पहले आपका काम हो जाएगा। अगर किसी का एक शनिवार में काम ना हो तो फिर वो उसे 3 शनिवार या 5 शनिवार कर सकता है काम। जैसे आपने एक शनिवार किया, फिर आपने दूसरा शनिवार भी किया, आप दूसरे शनिवार तक अगर आपका काम हो गया तो भी छोड़ना नहीं है आपको, उसको 3 शनिवार तक करना ही करना है।
तो मैं हूँ साइकिक रीडर संध्या सक्सेना। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, सीखना हो, बात करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन बहुत खूबसूरत हो, शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।